दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का इंपोर्टेंट चैप्टर। अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लाइट, जो कि 14th चैप्टर है फिजिक्स का और इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। मतलब पूरा आपका लाइट इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा, सारे के सारे जो इसमें फिनोमिना है, सारे के सारे लाइट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है सब अकेले चैप्टर के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा आप उसको लिख लीजिएगा और लास्ट में मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यही सारी चीजें याद हो जाए और उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप इसको यही समझ लोगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो प्रोपोगेट करती है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। जो साउंड वेव होती है वो एक मैकेनिकल वेव होती है, उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसकी जो वेवलेंथ है वो 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक है और इसकी जो वेवलेंथ जो लाई करती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन से लेकर के इंफ्रारेड रीजन के बीच में लाई करती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका था जो हमारा सन का स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता, गाओ एक्स पर देखकर अब माइक्रो रेडियो। तो ये वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में है, वेवलेंथ लगातार इधर को इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले जो सूरज की रोशनी का जो स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे पहले आता गामा रेस, फिर आता एक्स रेस, फिर आता परावैंगनी का मतलब होता अल्ट्रा वायलेट जो यहाँ दे रखा है, फिर आता देखकर मतलब दृश्य मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं जो हमको दिखाई देता, अब आता अभ्रक्त के लिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड। तो देखिए इंफ्रारेड रीजन और परावैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में आता है दृश्य प्रकाश जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये मैं पिछली वीडियो में आपको ट्रिक के थ्रू समझा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं और ये भी बता चुका हूँ कि जो लाइट जो चलती है प्रोपोगेट करती है मीडियम में तो वो क्रस्ट एंड ट्रफ के रूप में चलती है, मतलब इस तरह की वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जब जब इस तरह चलती है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि हमारी साउंड वेव है। साउंड वेव इज है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, ये सनलाइट से जो आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये होती है ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो सूरज की रोशनी से आने वाली लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव के रूप में आती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इसकी जो है ना दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एज ए पार्टिकल नेचर और एज ए वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर अलग फिनोमिना, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जो लाइट के डुअल नेचर के बारे में बताते हैं और जो लाइट को ये बताते हैं कि लाइट कभी कभी एज ए वेव बिहेव करती है और कहीं कहीं पर ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो एक पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल वाली है फिनोमिना उनको अलग देख लेते हैं और जो वेव नेचर शो कर रहे हैं उनको उन फिनोमिना को अलग देख लेते हैं। देखिए लाइट के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो या फिर इंटरफेरेंस हो या फिर डिफ्रैक्शन हो या फिर पोलराइजेशन हो, तो ये फिनोमिना सब बताते हैं कि लाइट एज ए वेव की तरह ट्रैवल करती है, मतलब उसके अंदर जिसके अंदर पार्टिकल ना हो, क्योंकि पार्टिकल होंगे तो इस तरह का फिनोमिना नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे वेव नेचर को शो करते हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और आई थिंक डिफ्रैक्शन यहाँ तक सब कुछ इसमें पूछ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, अगर मैं ना बता पाऊं तो आप मुझे याद करा देना, आप मुझे बता देना कि ये जो है आपने नहीं बताया है, तो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मैंने इनमें से कौन से टॉपिक छोड़ दिए हैं ताकि मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। हालांकि मैं चाहूंगा कि इसी वीडियो के अंदर सब कुछ कवर हो जाए। तो ये फिनोमिना बताते हैं कि लाइट के अंदर वेव नेचर होती है, लेकिन जो फिनोमिना लाइट की पार्टिकल नेचर को बताते हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितने भी फोटो वोल्टाइक सेल होते हैं जो छतों पर सोलर सेल लगे हुए होते हैं उनके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। कॉम्पटन इफेक्ट,
ये एक्सप्लेन नहीं करते वेव नेचर को लाइट की, ये करते हैं, ये सारे के सारे फिनोमेना करते हैं पार्टिकल नेचर को। तो ये क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है, आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी आइंस्टाइन ने। जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी आती है फोटोन के रूप में आती है, ये आइंस्टाइन ने बता दिया था। जो पार्टिकल के रूप में आती है वो होते हैं फोटोन, तो उन पार्टिकल्स को कहा गया फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है ए इज इक्वल टू एच न्यू। आगे देख लेते हैं, तो इससे तो ये पता लग गया आपको कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है लाइट के अंदर। इसलिए लाइट के अंदर जो होता है वो ड्यूअल नेचर होता, लाइट के जो नेचर है वो है ड्यूअल नेचर। अब देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पहली बार जो मीजर की गई थी रोइमर द्वारा की गई थी 1678 में। तो 1678 में रोइमर द्वारा की गई थी, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है सूरज की रोशनी की, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो वो होती है वैक्यूम के अंदर और एयर के अंदर, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आप ध्यान रखें, यूनिट कायम चल रही है मीटर पर सेकेंड में, और पावर याद रखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हर मटेरियल का अपना अलग अलग होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि उस मटेरियल के अंदर से लाइट कितनी स्पीड में निकल के जा रही है। सपोज दैट मैंने आपको बताया कि एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की। अब कोई कांच के अंदर से निकल के जा रही है वही लाइट, तो कांच के अंदर कितनी स्पीड से मूव करेगी? या फिर वही लाइट वाटर के अंदर से निकलती हुई जा रही है तो वाटर के अंदर किस स्पीड से मूव करेगी? तो ये डिपेंड करता है कि जिस मीडियम में से जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही कम होगी। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है, तो वाटर के अंदर स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जितनी स्पीड ऑफ लाइट है वो है वी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी के। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लार्ज इन ए मीडियम विच हैज स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेलोसिटी देखिए, जिसकी वेलोसिटी उसमें ज्यादा तेज होगी, वेलोसिटी उसके अंदर ज्यादा तेज होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो वेलोसिटी एयर की, एयर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर, किसकी? सनलाइट की। अब आगे देख लेते हैं, कुछ स्पीड दे रखी है आपको, हो सका है तो आप याद कर लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वैक्यूम के अंदर जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं अगर कांच की बात की जाए, ग्लास की बात की जाए, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है ये ग्लास के अंदर सनलाइट की। अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर का होता है 2.25, 2.25 होती है 10⁸ के रूप में मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में सारी की सारी, तो वाटर के अंदर होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वाटर के अंदर होती है। ग्लास के अंदर होती है 2 × 10⁸ की। देखिए, यहाँ वैक्यूम था तो सबसे ज्यादा, फिर आया वाटर, तो वाटर के अंदर क्या है, थोड़ा सा डेंस हो गया 2.25। अब आ गया ग्लास, तो ग्लास और ज्यादा डेंस हो गया, तो और कम हो गई, वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो आपको ये तीन तो याद रखने ही हैं। तो वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वहीं वाटर के अंदर होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वहीं ग्लास के अंदर होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आगे देख लेते हैं, जो सूरज की रोशनी है वो सन से अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड ले लेती है, 8 मिनट और 19 सेकंड ले लेती है, मतलब 499 सेकंड लगभग उसको लग जाते हैं अर्थ पर आने के लिए। और वहीं अगर बात की जाए, मून से रिफ्लेक्ट होकर आती है जो, अगर यही सनलाइट, सपोज दैट ये सन है और ये मून है और ये अर्थ है, अगर ये सनलाइट मून से टकरा कर अर्थ पर वापस आती है, तो ये इतने एरिया में मून से अर्थ तक आने में जो वक्त लेती है वो है 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड का ये वक्त ले लेती है, कहाँ से कहाँ तक आने के लिए? मून से अर्थ पे आने के लिए। अब आता है ल्यूमिनस बॉडीज, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ल्यूमिनस बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, जो अपनी एनर्जी के थ्रू जलती हैं, जैसे कि सन हो गया, या फिर स्टार्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए। अब नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कौन सी होती हैं? वो बॉडीज जिसकी अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती,
जिसकी अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती है, वो पेसिव होती है, मतलब दूसरे की एनर्जी के थ्रू जलती है, जैसे कि मून हो गया। देखिए मून का अपना खुद का प्रकाश रोशनी नहीं है, ये सनलाइट टकराकर मून से वापस अर्थ पाती है तो हमें रोशनी दिखाई देती है मून से टकराकर। तो मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअल ना मून की रोशनी नहीं है, वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है मून से। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ मटेरियल के बारे में कि उनके उन मटेरियल्स का लाइट को लेकर के कैसा बिहेवियर है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, अगर उनके ऊपर लाइट डाली जाए तो उनके अंदर से लाइट पास हो जाती है, तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे कि गिलास हो गया और वाटर हो गया। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, इनसे लाइट जो है बहुत कम रिफ्लेक्ट होती है और बहुत ही कम एब्जॉर्ब होती है, लगभग 90% इसमें से पास हो जाती है। और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, तो ट्रांसल्यूसेंट भी कुछ ऐसे ही मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास हो जाती है, लेकिन लाइट पास कम होती है और एब्जॉर्ब ज्यादा होती है। तो द सब्सटेंस विच अलाउज ए पार्ट ऑफ ए इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू दैम और कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज, एग्जाम्पल ऑयल्ड पेपर। तो इसका मतलब एक कुछ पार्ट ही पास होने देते हैं, बाकी पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। आगे देख लेते हैं ओपेक। ओपेक क्या होता है, ओपेक वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे, जैसा कि कोयला, वुड, दीवार, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का किसी सरफेस पर टकराना और वापस चले जाना उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई थी, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, एक किसी कर्व मीडियम से भी हो सकता, लाइट ऐसे आई और ऐसे टकरा कर चली गई। रिफ्लेक्शन किसी प्लेन मिरर से भी हो सकता है, ऐसा ही ऐसा टकरा कर चली गई, और लाइट कुछ इस तरह के मटेरियल से भी टकरा कर जा सकती है। तो हम लाइट देखने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसका फिनोमिना क्या है, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम कि किस तरह के मिरर पर किस तरह से लाइट टकरा कर जाती है। पहला पढ़ेंगे प्लेन मिरर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कर्व मिरर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का लॉ समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, सपोज दैट ये कोई प्लेन मिरर है जहाँ से लाइट टकरा कर वापस जाएगी, और इस पर मैंने ये इमेजनरी परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखिए लाइट सपोज दैट ये आई जो कि परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रही थी, और ये टकरा कर वापस चली गई, तो जिस एंगल से आई थी उस एंगल से ही वापस चली जाएगी। लेकिन फर्क इतना होता है, जो एंगल आता जिस एंगल से आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जिस एंगल से जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आप ध्यान रहे इंसिडेंट एंगल कौन सा है और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है। तो द इंसिडेंट रे, तो इसका जो लॉस पहला लॉ है, पहला नियम है वो ये है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन का मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं जिस जो आपने परपेंडिकुलर डाला ये, और इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट तीनों एक ही प्लेन में आने चाहिए। अगर मैं प्लेन बना लेता हूँ ये, तो देख लीजिए तीनों की तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, ये इस प्लेन में नहीं आएगा जो मैंने प्लेन बनाया, ये प्लेन तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल सही बात है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्शन का एंगल है ये वाला एंगल, वो इंसिडेंट एंगल के बराबर होना चाहिए, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब पहला आता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, जो मैंने आपको बताया है उसी के थ्रू देखने वाले हैं। प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो देखने वाले हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ और आपको मजा आएगा सुनने में, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। पहला है द इमेज इज वर्चुअल लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज होती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल कैसे, इमेज जो बनती है प्लेन मिरर के अंदर थोड़े अंदर को बनती है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनती है, और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, थोड़ी बड़ी बनती है, थोड़ी बड़ी सी इमेज बनती है। तो इमेज पहली बात तो हो गई वर्चुअल, और दूसरी बात क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी इमेज बनती है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, तो इमेज का साइज जो होता है वो लगभग इक्वल होता है, इमेज का साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होता है, इक्वल होता है। तो द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अब अगला क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सपोज दैट आपका मिरर यहाँ लगा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इस तरह से, तो ये आप खड़े हुए हैं, आप अपना इमेज देख रहे हैं, तो आपका इमेज इसके अंदर तो बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, कुछ यहाँ बनेगा और कुछ यहाँ बनेगा, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब ये है इमेज से जितनी डिस्टेंस, तो मिरर से जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े हैं
उतनी डिस्टेंस पे मिरर से क्या बनेगा, इमेज ही बनेगा। हालांकि मिरर के अंदर दिखाई देगा आपको, तो लेकिन होगा तो उतनी डिस्टेंस पर जितने डिस्टेंस पर आप मिरर से खड़े हैं। अब आपने क्या किया, मिरर की तरफ को चलना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, आपका इमेज भी मिरर की तरफ को आएगा। आपको अपना मिरर के अंदर ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि मैं पास जा रहा हूँ मिरर के। तो क्या होगा, जब आप मिरर के पास जाते हैं तो इसका मतलब आपका इमेज भी आपके पास आता चला जाता है। अगर ये वी वेलोसिटी से आप आगे को बढ़ रहे हैं तो वी वेलोसिटी से आपका इमेज भी आएगा। अब देखिए मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी देखूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इस वाली वेलोसिटी में से ये वाली वेलोसिटी माइनस होगी। लेकिन ये वाली वेलोसिटी खुद इस डायरेक्शन में है और ये वाली वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो इसका एक का निगेटिव लेना पड़ेगा। जब आप निगेटिव ले होगे तो इसको खोलोगे तो वी प्लस वी हो जाएगा, मतलब 2v। 2v का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो दुगनी स्पीड से आ रहा है। इमेज कैसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा दोगुनी स्पीड से आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर विद स्पीड वी, द रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, द इमेज मूव्स टूवर्ड्स और अवे विद स्पीड 2v। 2v से कैसे हो रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला पॉइंट आता है, इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, अगर कोई प्लेन मिरर है आप उसको थीटा एंगल से रोटेट कर देते हो तो उसके द्वारा जो बनने वाला है रिफ्लेक्टिंग जो इमेज बनने वाला है उसका, वो इमेज दुगनी दुगने एंगल से मुड़ेगा। तो यही बात है कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं, अगर इसको आप थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोगुनी स्पीड से दोगुने एंगल से मुड़ेगा। ये मैं जैसा कि मैंने आपको वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में सिखाया है वैसे ही एंगल के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, टू सी द फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर, अपना आपको फोटो देखना है, पूरा फोटो देखना है प्लेन मिरर के अंदर। ए पर्सन रिक्वायर्स ए मिरर और एट लीस्ट हाफ ऑफ हिज हाइट्स, अगर आपको अपना पूरा इमेज देखना है मिरर के अंदर तो आपको मिरर की जो हाइट लेनी पड़ेगी वो अपनी हाइट से आधी लेनी पड़ेगी। अगर आप 10 मीटर, अगर आप 5 मीटर के हैं तो आपको 2.5 मीटर का क्या लेना पड़ेगा, शीशा लेना पड़ेगा अपना पूरा इमेज देखने के लिए। अब देखिए इमेज देखने के लिए, अब इमेज इमेज का जिक्र कर दिया है तो कुछ इमेज की जिक्र कर देख लेते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर, एक ये प्लेन मिरर हो गया, एक ये प्लेन मिरर हो गया, कुछ एंगल पर रखे हुए हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट से, यह एंगल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपने कुछ एंगल पर रख दिए और उसके अंदर जो इमेज बनने हैं वो एन बनने हैं, तो देख लेते हैं एन किस तरह से बनते हैं। अब सपोज दैट आपने क्या रखा, आपने दो मिरर रख दिए और आपने फिर थ्री सिक्सटी अपॉन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अपने आप से कैलकुलेट करोगे। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो आपने दोनों प्लेनों के बीच में दिया। सपोज दैट एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये है, तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एंगल है, तो ये थीटा है। तो थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, जब थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू निकाल ली और ये इवन आ जाती है। इवन का मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, अगर ये इवन इंटीजर आ जाता है तो जो इसमें इमेजेस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 360 अपॉन थीटा -1। तो ध्यान रहे जब इवन आ गया तो क्या बनेगा, 360 अपॉन थीटा -1। और अगर ये ओड आ जाता, अगर इसकी जगह ओड आ जाता तो ओड में 360 अपॉन थीटा इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो 360 अपॉन थीटा ही आंसर हो जाता। देखिए यहाँ पर ओड का केस दे रखा, लेकिन यहाँ पर जो इमेजेस दे रखे हैं 360 अपॉन थीटा -1 करके दे रखे हैं, वो इसलिए दे रखे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड का मतलब ये होता है 360 अपॉन थीटा से जो बनने वाले इमेज हैं वो निकल कर जो आएंगे उसमें से एक इमेज कम हो जाता, वो इमेज इसलिए कम होता है क्योंकि सिमेट्री का जो ऑब्जेक्ट रखते हो तो एक इमेज ऐसा आता है जो दूसरे इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाता, इसलिए एक फोटो कम करना पड़ता। तो 360 अपॉन थीटा -1 करना पड़ेगा जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अदरवाइज सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है तो वैसे ही जैसे हम निकालते हैं ओड आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आया है वही हो जाएगी, 360 अपॉन थीटा वैल्यू हो जाएगी जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है। तो इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जब 360 अपॉन थीटा, देखिए ये कैसे निकलता है, सपोज दैट दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो 360 अपॉन 60 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 6 6 निकल कर आ जाएगा। 6 क्या है, 6 है इवन नंबर, तो मैं पूछूंगा इमेजेस कितने हो गए तो आप करोगे 6 -1 मतलब 5, बस सिंपल ये हो गया। अब आपको ये पता लग गया कि ये 6 -1 करके 5 आ गया, ठीक है। अब सपोज दैट आपके पास कुछ ये होता,
कुछ पांच निकल का आ जाता, तो ये क्या आ गया, ओड निकल का आ गया। तो आप चेक करते हैं कि क्या मिरर जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि सिमेट्रिकली है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर सिमेट्रिकली प्लेस है तो आप माइनस वन करके चार निकालोगे इमेजेस, और सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है तो आप कहोगे कि इसका पांच ही आंसर है। ठीक है, ये केस होने के बाद सपोज दैट अगर आपके पास वैल्यू आ गई 7.1, आपने 360 अपॉन थीटा की वैल्यू निकाली और आ गया 7.1, तो इसके थ्रू जो इमेजेस आने वाली वो आने वाली है साथ इंटीजर, इसके प्योर इंटीजर की वैल्यू लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे, जो कि हमारे सी पॉइंट में कह रखा है। 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको उसका इंटीजर पार्ट ही लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस हमने देख लिया है, अब मिरर के थ्रू देखा है, तो हमने प्लेन मिरर का देख लिया। प्लेन मिरर में कैसे बन रहा था, एक बन रहा था इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब अगर हम 0 डिग्री पर हैं तो हमसे 180 डिग्री पर बनेगा, अगर हमारा हमारा फेस इधर को है तो उसका फेस इधर को होगा, मतलब 180 डिग्री पे इन्वर्टेड बनेगा। मैंने वहां आपको बता दिया था कि थोड़ा बड़ा बनेगा, तो बड़ा नहीं है, इन्वर्टेड बनता है, सॉरी इन्वर्टेड बनता है वहां पर, और वहां पर जो बनता है इन्वर्टेड लेकिन इक्वल साइज का बनता। अब यहाँ पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉनवेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर से देख लेते हैं किस तरह से। कॉनकेव मिरर जो होता है एक्चुअली, अगर आपके पास एक गोला है तो गोले के दो पार्ट कर दीजिए, और एक पार्ट में आपने अगर बाहर की तरफ को कालिख लगा दी है, बाहर की तरफ को कालिख लगा दिया, फिर लेड लगा दिया, लेड का पेंट कर दिया, जब आप बाहर की तरफ को पेंट कर देते हैं तो अंदर का जो एरिया होता है ना वो चमकदार हो जाता है, वो शाइनिंग हो जाता है। तो जब आप अंदर की तरफ को पेंट कर देते हैं या फिर अंदर की तरफ को कालिख लगा देते हैं लेड की, तो जो बाहर का एरिया है ये चमकदार हो जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर, क्योंकि ये मिरर है, आपने इस पर क्या करा कालिख पोती है, और ये क्या है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो हम पहले देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर में क्या कंडीशन होती है, कहाँ कहाँ पर इमेज बनती है देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कॉनकेव मिरर का, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहे हैं और उसके इमेज की पोजीशन क्या होगी। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमेज की पोजीशन देखें कहाँ पर बन रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखें कहाँ पर बन रहा है, और साइज की भी बात करेंगे कि क्या साइज में फर्क आएगा, और उसका जो इमेज बनने वाला है उसका नेचर क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर के बारे में पहले पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो देखिए इसमें पहली बात तो हम जान लेते हैं कि इन्फिनिटी कहाँ पर होता है। अगर आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू भी समझाने वाला हूँ, तो ये कॉनकेव मिरर है तो इसका कहलाता है पोल, और इसका फोकस फोकस कहलाता है ये, इसको फोकस यहाँ कहेंगे, इसका ये फोकस है, और ये कहलाएगा इसका सेंटर है, जो कि हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, जो इस पूरे कर्व का सेंटर है, क्योंकि ये कर्व भी तो एक बॉल होगा, तो इस बॉल का जो सेंटर वो है सपोज दैट यहाँ पर, और ये फोकस है। तो आपको ये पता से लग गए होंगे कि पोल क्या है, फोकस क्या है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो आपको सबसे पहला देखना है कि अगर इन्फिनिटी पर है तो जो इसका इमेज बनता है वो बनता है फोकस पर, और कैसा बनता है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बनता है, और रियल बनता है, और इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, एकदम उल्टा पुल्टा, मतलब 180 डिग्री पर एकदम, और रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है इमेज, इमेज देखिए कॉनकेव मिरर के अंदर हमेशा इमेज बनती जो है वो बनती है रियल इमेज, बस एक को छोड़कर, वो कब, जब वो आ जाएगा बिटवीन फोकस और पोल के बीच में जब आ जाता है तब बनती है उसकी वर्चुअल इमेज। तो ये लास्ट कंडीशन है, वरना हमेशा जो बनता है वो रियल इमेज बनता है, आपको ऐसे याद रखना। तो सबसे पहला अगर इन्फाइनाइट पर है, देखिए मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, इसी में समझा देता हूँ, ये सपोज दैट इसका ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये है इसका इसका एफ, मतलब इसका फोकस। तो जब इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर अगर यहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो जो इसका इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस पर, तो इमेज बनता है फोकस पर, और कैसे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब इसका बनता जो है इसी तरह से बनता है, मतलब रियल बनता है, रियल और इन्वर्टेड। और जब वो इमेज जो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो इमेज के रूप में, अगर वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इन्फिनिटी तो यहाँ पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब बनेगा तो देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर को शिफ्ट होगा वैसे वैसे इमेज जो है इधर को शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पर आएगा, ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया, तो ऐसे ही इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
और ये डिमिनिश्ड होगा, मतलब जैसा सेम जैसी ओरिएंटेशन में यहाँ पर है वैसे ही यहाँ मिलेगा, और रियल इन्वर्टेड तो सब में ही होने वाला, बस लास्ट वाले केस को छोड़ के। अब देखिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हो गया खड़ा, अगर यहाँ पर आ गया है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो अब इमेज बनेगा कहाँ पर, यहाँ पर। इमेज कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर किस तरह का इमेज बनता है, इमेज बनता है सेम साइज का लेकिन नीचे को उल्टा। अब क्या हुआ, बिटवीन फोकस एंड कर्वे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पहुंच गया। अब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था और फोकस ये था, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में यहाँ पहुंच गया, तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई, अगली कंडीशन यही है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको बस एक दो स्टेप याद करनी है कि इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पर बनेगा, फिर यहाँ को आ गया मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। अब बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो गया शिफ्ट, तो ऐसे ही इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। और अब जब ये फोकस पर आ जाएगा तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पर। सही है, तो ये केसेस थे इसके अंदर। अब ऑब्जेक्ट सपोज दैट यहाँ पोल पर, पोल और फोकस के बीच में आ जाए, यहाँ आ जाए, तो इमेज बनता है बिल्कुल सेम। कैसा बनता है, सेल और इरेक्टेड बनता है, इरेक्टेड मतलब बड़ा बनता है, इरेक्टेड मतलब क्या बनता है, बड़ा। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो इमेज बनेगा बड़ा सा। तो इस चीज को यूज करके जितने भी नाई होते हैं सलून के अंदर क्या करते हैं, वो ऐसा ही एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होता है, और वो जो कुर्सी डालते हैं जहां पर आपके बाल काटते हैं वो यहाँ पर काटते हैं, ताकि उसका इमेज, इसमें इमेज जो शीशे के अंदर इमेज दिखाई दे बड़ा दिखाई दे, बड़े इमेज दिखाई देने का ये फायदा होगा कि वो बालों को आसानी से काट सकते हैं, देखकर बिल्कुल आराम से काट सकते हैं, तो इसलिए वो इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मिरर के पीछे बनता है कब, लास्ट वाली कंडीशन के अंदर, लास्ट वाली कंडीशन में मिरर के क्या बनता है, पीछे बनता है, और कैसा बनता है, एनलार्ज बनता है, बहुत बड़ा बनता है। जब कब, जब बिटवीन फोकस पर हो, पोल के बीच में रखा हो। आइए आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बता रखा था कि इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड इमेज कब बनेगा, इन्वर्टेड इमेज जब बनेगा जब उससे 180 डिग्री पर जस्ट उल्टा होगा। सपोज दैट अगर इमेज यहाँ है तो इसका इन्वर्टेड कहाँ होगा, इन्वर्टेड हो गया ये, मतलब 180 डिग्री पर। तो इन्वर्टेड मैंने सॉरी यहाँ आपको सीधा खड़ा करके बता देता है, इन्वर्टेड ये नहीं होता, इन्वर्टेड होता है नीचे को। तो इमेज जो बनेगी हमेशा नीचे को बनेगी, और ऑब्जेक्ट जो आएगा हमेशा ऊपर को आएगा, और इमेज हमेशा नीचे को बनेगी, तो इन्वर्टेड का मतलब ये होता है। और शायद मुझे जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा बताने को, तो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ, इन्वर्टेड का मतलब है नीचे को, मतलब 180 डिग्री पर नीचे को होगा। तो इमेज अगर सीधी होगी तो ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि अगर इन्फिनिटी पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा और नीचे को बनेगा, और अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो यहाँ पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा, अब पोल और सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और अगर बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेकिन नीचे की तरफ को। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर फोकस के बीच में आ जाए तो कहाँ बनेगा, अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, वो भी उल्टा। उल्टा तो हमेशा ही बनता, बस एक कंडीशन को छोड़ गए। अब इमेज जो है फोकस पर आ जाए तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फोकस पर आ जाए तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, वो भी उल्टा इन्वर्टेड। और जब इमेज जो ऑब्जेक्ट आ जाए पोल और फोकस के बीच में तो इमेज कैसा बनता, इरेक्टेड मतलब सीधा, इन्वर्टेड नहीं होता इसमें, इरेक्टेड होता, सीधा होता है और बहुत ही बड़ा होता। तो इसको अब मैं आपको बता रहा था डायग्राम के थ्रू, डायग्राम देख लेते हैं इसका। देखिए डायग्राम देखते हैं पहले, तो डायग्राम को थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, इसकी कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पर। तो फोकस कहाँ है, ये है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। फोकस पर बनेगा कैसे बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा उल्टा तो हमेशा बनने वाला। अब देखिए ये जो है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया इमेज, जब बीच में आ चुका है तो अब सॉरी ऑब्जेक्ट आया, इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, वो भी उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा, ये आपको ध्यान रखना, हमेशा उल्टा बनना एक कंडीशन को छोड़ करके। अब देखिए अब आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा और उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ को बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा, ये फोकस था हमारा। अब फोकस ये है, इमेज कहाँ पर आ चुकी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ चुकी है, ऑब्जेक्ट आ चुका है,
तो इमेज कहाँ बनने वाली है? इमेज बनने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ बनने वाली है और उल्टी बनने वाली है। अब सपोज दैट कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस पर ही आ जाए, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। और कैसे बनेगी? बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी। अब सपोज दैट फोकस और पोल के बीच में आ जाए ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनती है। देखो ये फोकस है और ये पोल है, तो वर्चुअल इमेज बनती है और बड़ी हुई इमेज बनती है। तो ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। बाकी सारे केसेस में रियल इमेज बन रही थी, आपको ध्यान देना है, रियल इमेज बन रही थी, रियल इमेज। लेकिन और कैसी बन रही थी? इन्वर्टेड बन रही थी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टी इमेज बन रही थी नीचे की तरफ को, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। तो ये पूरा केस आपने बता दिया है कॉनकेव मिरर का। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर की आप शेप देख लीजिए पहले, कौन सी होती है? अगर आपके पास कोई कर्व इस तरह से है और आपने इसको अंदर से कालिख कर दिया है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला सरफेस बनेगा उभरा हुआ, वो कैसा हो जाएगा? वो चमकीला बनेगा। जब वो चमकीला सरफेस होगा तो इस तरह के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आप पहली बात तो मिरर के बारे में पढ़ लें जिसका एक सरफेस क्या होगा? कालिख पुता हुआ होगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर इमेज किस तरह से फॉर्म होता है। तो सबसे पहला, अगर इन्फाइनाइट पर है, कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसका जो बनता है वो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब जैसे हमें वैसा ही दिखाई देगा, तो ये होते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे शीशे के अंदर वर्चुअल इमेज दिखाई देता, तो वर्चुअल इमेज होंगे और इरेक्ट होंगे। इरेक्ट का मतलब है हमारी तरह ही होंगे, जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही होंगे, लेकिन बड़े बड़े होंगे। और अगर आप फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो पोल और फोकस के बीच में, तो कैसे बनेगा? वर्चुअल बनेगा और इरेक्टेड बनेगा हमेशा। तो जितने भी इमेज फॉर्म होते हैं कॉन्वेक्स मिरर से, वो हमेशा वर्चुअल होते हैं, इरेक्टेड होते हैं और डिमिनिज्ड होते हैं। तो आपको वर्चुअल इरेक्टेड तो याद रखने ही रखना है, किस तरह से होते हैं, वर्चुअल होते हैं और इरेक्टेड होते हैं। और इसके यूज देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के यूज। सबसे पहले कहाँ होता है? शेविंग ग्लास बनाने के लिए यूज होता है। एज ए रिफ्लेक्टर फ्रॉम ए हेडलाइट्स ऑफ ए व्हीकल, सर्च लाइट में भी इसका यूज करते हैं, और व्हीकल की हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, और सोलर कुकर्स के अंदर इसका यूज करते हैं। और आगे देख लेते हैं कॉनवेक्स मिरर के यूज। तो कॉनवेक्स मिरर के यूज होते हैं व्हीकल के अंदर, जो व्हीकल में जो शीशे लगे हुए रहते हैं, वो सारे के सारे पीछे को देखने के लिए जो यूज होते हैं, सारे के सारे कॉनवेक्स मिरर होते हैं। और सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में इसका यूज करते हैं। अब देखिए आता है अगला फिनोमिना जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में को ट्रैवल कर रही है। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में को ट्रैवल कर रही है, तो लाइट जो है मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो जाहिर सी बात है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। तो इसका मतलब लाइट थोड़ी बहुत मुड़ जाएगी। तो अब देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हेन अ रे ऑफ ए लाइट प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम एंटर्स द अदर मीडियम, इट डाइवर्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ, डेविएट हो जाती है फ्रॉम इट्स पाथ। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूरा का पूरा यही रिफ्रैक्शन है, ठीक है? अब देख लेते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम। देखिए रेयर मीडियम दो तरह के मीडियम होंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में को जा रही है, तो एक मीडियम क्या होगा? रेयर मीडियम होगा। दूसरे मीडियम क्या होगा? डेंस मीडियम होगा। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में को जाती है, तो ये डेविएट हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ को कब डेविएट होगी? देखो ऐसा बना लेता हूँ, और यहाँ से जो लाइट आ रही है, सपोज दैट ये नॉर्मल है, ये एक दोनों मोड, एक मीडियम, ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू। इन दोनों के बीच में क्या है? ये है बाउंड्री। अब क्या है? एक लाइट जो कि रेयर मीडियम, तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में को जाती है, तो ये थोड़ी बहुत शिफ्ट हो जाती है नॉर्मल की तरफ को। तो ये नॉर्मल की तरफ को इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, तो आ तो इस तरह से रहती है, लेकिन शिफ्ट हो गई नॉर्मल की तरफ को। अब दूसरा क्या होता है? जब लाइट आती है डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में को जाती है, तो सपोज दैट ऐसे आई, तो ये इस तरह से निकल जाती है। मतलब क्या है? ये नॉर्मल से दूर भागती है। नॉर्मल से क्या होती है? दूर भागती है। अब देख लेते हैं आगे को, आगे देख लेते हैं। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास कोई कोई हमारे पास एक मीडियम दो मीडियम को सेपरेट करने की बाउंड्री है, और लाइट जो है नॉर्मल के पैरेलल आ जाए। पैरेलल मतलब या तो नॉर्मल के डायरेक्शन में आ जाए या नॉर्मल के पैरेलल आ जाए, तो इस कंडीशन में लाइट बिना डेविएट हुए ही पास हो जाएगी। तो
मीडियम के अंदर को। तो ये होता है इसका फिनोमिना। अब देखिए इसके इस फिनोमिना के कुछ मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। सपोज दैट अगर आपके पास कोई पानी का बर्तन रखा है तो उसके अंदर अगर आप कोई लकड़ी की कोई स्टिक डुबोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टिक जो है थोड़ी सी पानी के अंदर मुड़ गई। तो वो इसी के ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही एग्जाम्पल हैं। अब देखिए जिस तरह से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन के कुछ नियम है उनको देख लेते हैं। जिस तरह से पहला नियम रिफ्लेक्शन का था वैसे ही नियम इसका भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो होंगे सबके सब तीनों एक ही प्लेन में होंगे। और दूसरा रूल जो है वो है स्नेल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लें समझ लें। स्नेल लॉ क्या कहता है कि अब पहले मैं आपको बना देता हूँ। देखिए ये नॉर्मल है और ये डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने ये लाइट आके इंसिडेंट हुई है ये बाउंड्री पर तो जाहिर सी बात है रेयर मीडियम में थोड़ा डेविएट होती है नॉर्मल से। तो अब देखिए जिस एंगल से आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, जिस एंगल से नॉर्मल के साथ निकलती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो स्नेल लॉ ये कहता है ये रिफ्लेक्शन जो हुआ है नॉर्मल से थोड़ा शिफ्ट हुई है ये हुई है उसकी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होने वाला है वो होने वाला है पहले वाले एंगल और दूसरे वाले एंगल के साइन के रेशो का, मतलब साइन आई आई अपॉन साइन आर, मतलब इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का रेशो जो होता है वो मीडियम का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं 1μ2, मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो स्नेल लॉ यही है। अब आगे देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। कोई लाइट की स्पीड जो है फ्री स्पेस में कितनी है और मीडियम के अंदर कितनी है, जो गिवन मीडियम है उसमें कितनी है, इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या फर्क है, कलर जो होते हैं जितने भी कलर हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे बदलता है। तो हर कलर का अपना एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। तो आप ध्यान रहे जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका ज्यादा होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक तरह की एनर्जी है, उसकी एनर्जी है, फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा जिसकी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी जो ज्यादा होती है कलर के अंदर, हमारे पास कलर का जो पैटर्न होता है वो होता है VIBGYOR, जिसको विबग्योर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है वॉयलेट कलर की। तो वॉयलेट कलर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और इसकी वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वहीं रेड कलर की अगर बात की जाए तो रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसकी एनर्जी कम होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। इसलिए अगर एक मीडियम से कोई रे दूसरे मीडियम में जाती है कलर डिवाइड होते हैं तो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से रेड कलर की, तो रेड कलर विबग्योर में ऊपर आता। जो इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं उसमें सबसे पहला रेड ही आएगा, आप देख लेना। अब देखिए जब कोई एक सूरज की रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या क्या चीजें बदलती हैं और क्या क्या चीजें नहीं बदलती। तो सबसे पहले उसकी वेवलेंथ जो है वेवलेंथ वो बदल जाती है और उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। उसकी जो नहीं बदलती वो है फ्रीक्वेंसी या फिर उसका यूं कहें फेज, फेज नहीं बदलता। ये मैंने साउंड वाले चैप्टर में ही बता रखा है। इसके कुछ रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोई लीनियर ऑब्जेक्ट आप वाटर में डाल दो तो वो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है जैसे कि मैंने अभी बताया था, या फिर स्टार का तारों का चमकना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्यों आया इसकी वजह आपको बता देता हूँ। सपोज दैट ये डेंस मीडियम है ये रेयर मीडियम है और यहाँ पर कोई लाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो क्या होता है, लाइट इंसिडेंट अलग अलग एंगल से भी हो सकती है। तो एक एंगल ऐसा आता है कि लाइट जो है इंसिडेंट होने के बाद जो ये बाउंड्री है ना बाउंड्री बाउंड्री के पैरेलल चले जाती है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल निकल जाती है। तो जिस एंगल पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कोई एंगल हो जाता है तो लाइट जो है अंदर टकरा कर वापस लौट कर आ जाती है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TIR। चलिए देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल को। इन केस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम थ्रू ए प्लेन बाउंड्री, प्लेन बाउंड्री कौन सी, ये वाली बाउंड्री है। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला है,
फोर भी जिसके लिए एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे दिखाते हैं, नॉर्मल से दिखाते हैं, जो कि नॉर्मल से 90 डिग्री पर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब लाइट इस तरह से पास होकर चली जाती है, ये क्रिटिकल एंगल है जिस पर ऐसा होता है। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, इफ लाइट इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो देखो ये शर्त है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में को ही जानी चाहिए तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। अगर इंसिडेंट एंगल, ये वाला इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, मतलब वापस आ जाती है डेंसर मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में को वापस आ जाती है। और ये जो इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन, ये जो रूल्स फॉलो करती है वो करती है सब के सब रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो। तो इस घटना को बोलते हैं या फिर इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो जो लाइट पूरी की पूरी जाती है वो टकरा कर वापस आ जाती है। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे कि अगर कोई शीशा है अगर वो चटक जाए, चटकने से क्या होगा, जो जो चटका हुआ एरिया होगा वो कुछ ज्यादा ही सफेद दिखाई देगा। तो सफेद वो इसलिए दिखाई देगा क्योंकि उसके अंदर जो है एयर जा चुकी है, और एयर जाने से क्या होगा, वहां पर जो गैप आया है उसके अंदर एयर चली गई है। तो अब जो है लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में को जा रही है तो वो टकरा कर वापस आ जाती है। डेंस मीडियम कौन सा हो गया, शीशा हो गया जिसके अंदर से लाइट पास करेगी, और रेयर मीडियम कौन सा हो गया, जो उसके अंदर क्रैक्स आई है जहां पर हवा भर गई है, वो हवा जो है वो है रेयर मीडियम। तो जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में हो जाएगी तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है वैल्यू तो वो लाइट पास नहीं होती बल्कि टकरा कर वापस आ जाती है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो इसकी इसकी कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और लाइट जो प्रोपोगेट करनी चाहिए वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में को ही करनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लेकर के कुछ एग्जाम्पल है, मैं हालांकि बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लीजिए। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो हीरा चमकता है अपनी शेप की वजह से, तो वो किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का। और मिरेज और लूमी, मिरेज और क्या होती है, जब आप रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं या फिर सड़क पर जाते हैं तो आपको एक कभी कभी रोड बहुत चमकती हुई दिखाई देती है जिसमें आपकी इमेज थोड़ी ऊपर बनने लगती है, एक इमेज बनने लगती है, तो यही क्या है, यही मिरेज है, और इसको लूमिंग भी बोलते हैं। शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर, वाटर के अंदर शाइनिंग जो करते हैं एयर बबल्स, वो सब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के ही एग्जाम्पल है, आप इसको और देख लीजिएगा। अब चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर की तरफ को। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, देखिए जब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो आपको दो तरह के मीडियम यूज करने पड़ेंगे, एक डेंस मीडियम यूज करना पड़ेगा और एक रेयर मीडियम यूज करना पड़ेगा। जब ऑप्टिकल फाइबर की हम बात कर रहे हैं तो ये एक फाइबर होगा, बहुत पतला फाइबर होता है। इसके अंदर हम दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम जो है मटेरियल यूज करते हैं। तो एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और एक की कम है। अब देखिए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो ज्यादा गाढ़ा होगा, मतलब डेंस होगा, तो ऊपर वाला डेंस है और ये नीचे वाला क्या है, रेयर है। तो जब लाइट डेंस से रेयर की तरफ को जाएगी और ये क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाए तो ये क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को शो करेगी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने लगते हैं। अगर ये बात की जाए ऑप्टिकल फाइबर की, तो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हुए चलते हैं लाइट के, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हुए क्या चलते हैं, लाइट के चलते हैं, और जिसके थ्रू इसके अंदर एनर्जी लॉस भी नहीं होती है, और ये लाइट जो है मुड़ती हुई चली जाती है, ये लाइट मुड़ती हुई चली जाती है। तो लाइट इसमें जो है एक तरह की मुड़ जाती है। इसके थ्रू हम बहुत चीजें यूज करते हैं। पहला करते हैं हम जो ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट करने में करने के लिए इसका यूज करते हैं, और हम जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी इसके थ्रू ट्रांसमिट करवाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले हमें कन्वर्ट करना होता है लाइट के अंदर, क्योंकि लाइट ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। और हम एंडोस्कोपी के थ्रू डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको देखा जा सके। अब देखते रिफ्रैक्शन हम देखते हैं लाइट का लेंस के थ्रू, तो लेंस भी क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन शो करते हैं। अरे भाई लेंस के अंदर भी तो रिफ्रैक्शन होता है, तो पहले देख लेते हैं लेंस लेंस होते क्या हैं। तो देखिए लेंस वो होते हैं जिनके अंदर कुछ लाइट का पार्ट आकर टकराता है और वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर आता है लेकिन दूसरे एंगल से डेविएट होकर निकल जाता है। सपोज दैट लाइट यहाँ आई तो ये हो सकता है मुड़ जाए, लाइट यहाँ आई हो सकता है ये फैल जाए। तो ये होते हैं हमारे पास लेंस जो ऐसा काम करते हैं। तो लेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स लेंस और एक होते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जिन पर जो लाइट अगर
पैरेलल आ रही है, उनकी एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो उनसे टकराने के बाद जो है वो मीट हो जाती है फोकस पर। और अगर फोकस पर है तो इसका वाइस वर्सा भी होता है कि वो उनसे निकलने के बाद जो है पैरेलल हो जाती है। इसमें कुछ उल्टा होता है, इसमें इस तरह से होता है कि अगर पैरेलल आ रही है तो वो जो है फैल जाती है कॉनकेव लेंस के अंदर। तो इनके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। पहला इसमें आता है, देख लेते हैं कौन सा वाला आता है इसके अंदर। पहले इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। लेंस इज एक्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऑफ द टू सर्फेसिस ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री शेप ऑफ विच वन सर्फेस मस्ट बी स्फेरिकल। लेंस इज जनरली आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। व्हेन द लेंस इज थिकर एट द मिडिल, जब लेंस मोटा हो बीच में से और किनारों पर से पतला हो तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। और जब लेंस कॉनकेव कब होगा, जब बीच में से पतला होगा और किनारों पर से होगा मोटा। तो इस तरह के लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इस तरह के लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता लाइट को, लाइट को कन्वर्ज कर देता। और इस तरह के लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो कहलाता है वो डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इनको नोट कर लें, लिख लें, कुछ भी करें। इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। अब देखिए, इस लेंस के भी फोकस दो होंगे, तो एक फोकस ये है, एक फोकस ये है। इस लेंस का अपना खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे, क्योंकि एक तो ये वाला कर्वेचर बनाने वाला है, एक तो ये सर्कल बनेगा, एक तो ये सर्कल बनेगा, और एक बनेगा सर्कल ये वाला। तो देखिए, दो सर्कल से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से एक सर्कल इसका भी होगा और एक सर्कल इसका भी होगा। तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, दो का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके भी हैं। तो ओ फोर ऑप्टिकल सेंटर, और F1 F2 क्या हो गए, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। और C1 C2 क्या है, यह है प्रिंसिपल एक्सेस। देखिए, ये पूरी C1 C2 प्रिंसिपल एक्सेस है। F1 F2 क्या फोकस है, ओ क्या है हमारा, ये वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है जो हमारे लेंस का खुद का सेंटर है। तो ये है लेंस के सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस जो होती है अगर फोकस का है ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, जो हमारी फोकस होती है ना, फोकल डिस्टेंस, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस होता है 1/F। एफ क्या है, फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, उसका उसका इन्वर्स कर दीजिए, आ जाएगा पावर निकल गया। तो पावर ऑफ लेंस इज अ कैपेसिटी। तो पावर ऑफ लेंस जो होती है वो कैपेसिटी होती है टू डेविएट ए रे, किसी रे को डेविएट करने के लिए। अगर आपको ज्यादा डेविएट करनी है तो आपको ज्यादा पावर का लेंस लेना पड़ेगा, और आपको कम डेविएट करनी है तो आपको कम पावर का लेंस लेना पड़ेगा। इट इज मेजर्ड एज ए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो फोकल लेंथ जो आती है वो आती है मीटर में, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर का यूनिट हो जाएगा पर मीटर। तो पर मीटर होता है पावर का यूनिट, जिसको हम डायोप्टर भी बोलते हैं, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट बाय नेम होते हैं, या एम कैस यूनिट को हम बोलते हैं ऐसा यूनिट। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। जो पावर होती है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस की, अगर पावर की बात की जाए तो पॉजिटिव होती है। इस लाइन को नोट करना, पावर जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है, वहीं कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो होती है निगेटिव। तो पावर निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होती है, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपके लिखा हुआ, इफ टू लेंसेज आर प्लेस इन ए कॉन्टैक्ट, जब दो लेंस को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो उनकी जो पावर होती है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज द इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। अगर दो पावर के आपने लेंसेज को उनको सीरीज में जोड़ दिया है, मतलब कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया है, जैसे कि एक लेंस ये है और दूसरे लेंस ये मैं चिपका दिया है, तो इसकी पावर हो गई P1, इसकी पावर हो गई P2। तो जो कंबाइंड की पावर होगी वो होगी दोनों की पावर का सम, पावर जो हो जाएगी P1 + P2 हो जाएगी। अब देखिए, सम क्यों हुआ, सम इसलिए हो गया, देखिए पावर का मतलब होता है कि आपको कितनी डेविएट करानी है रे। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसकी पैरेलल यहाँ रे आएगी तो ये डेविएट करेगी इस तरह से, और जब इस वाले लेंस पर पड़ेगी तो ये और ज्यादा डेविएट करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली पावर जो हो रही है वो ऐड हो रही है, मतलब डेविएट करने की जो टेंडेंसी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, बात करते हैं चेंज इन द पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर को ही किस तरह से चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस शेप का होता है, अगर इसके एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आती है तो कॉन्वेक्स लेंस की टेंडेंसी होती है कि उसको मर्ज कर दे। तो ये इसके फोकस पर मर्ज कर देती है, ये इनफाइनाइट से आ रही है तो फोकस पर मर्ज कर देती है।
तो सपोज दैट कि जो लेंस आप यूज कर रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से और कुछ शेप की वजह से होता है। तो हम चेक करने वाले हैं कि किस तरह से इसका अपना खुद का पावर क्या होगा। पावर होगा 1/f के। तो पावर किस तरह से, पावर को लेकर चलेंगे इसमें। इसमें पावर और फोकल लेंथ दोनों के बारे में बताया गया, लेकिन हम पावर की बात करेंगे जिसके थ्रू हम फोकल लेंथ खुद ब खुद बता सकते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे पावर इसकी चेंज हो रही है। तो देखो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब यही तो होता है कि कितनी पावर है कि लाइट को मोड़ दे, है ना? ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होता है पावर का कि कितनी पावर का लेंस है, मतलब कितनी तेजी से लाइट को मोड़ रहा है या कितना मोड़ रहा है, ये पावर बताती है। अब सपोज दैट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना? अब सपोज दैट आपको कोई ऐसा लिक्विड मिल गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर है, तो क्या लाइट मुड़ेगी? क्या लाइट जो लेंस ने मोड़ी है उससे ज्यादा मुड़ेगी? तो जवाब है उससे ज्यादा लाइट नहीं मुड़ेगी, क्योंकि आपने लेंस को कांटेक्ट में रख दिया, ऐसे मीडियम के जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद लेंस के बराबर है। तो लाइट आई और जैसा आई वैसी मुड़ गई, है ना? तो वो मोड़ी जो है वो लेंस ने मोड़ी है, तो कुछ और ज्यादा मुड़ेगी? तो जवाब है और ज्यादा नहीं मुड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो अब आप यहाँ देखिएगा। अब आपके पास लेंस है और आपके पास कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आपके लेंस का μ1 है और इसका μ2 है, तो इस वाले मीडियम का ज्यादा है जो हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मीडियम का जो हम दूसरा यूज कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है लाइट को अल्टीमेटली मोड़ा जाएगा और ज्यादा। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब लाइट आ रही है कोई एक्सिस के पैरेलल, तो ये कॉन्वेक्स लेंस ने मोड़ दी। अब ये जैसे ही इसके अंदर जाएगी, इस लिक्विड के अंदर जाएगी, तो ये लिक्विड चाहेगा इसको और ज्यादा मोड़ना। और ज्यादा मोड़ना क्यों चाहेगा? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और हमने ये रूल पढ़ लगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है लाइट उतनी ही ज्यादा मुड़ती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो वो जो है मीडियम उतना ही डेंस होता है। जब मीडियम डेंस है तो लाइट जो है जो उसका नॉर्मल होता है, नॉर्मल की तरफ को शिफ्ट होती है, मतलब लाइट और ज्यादा मुड़ती है। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो फिर तीसरी कंडीशन आपको समझ आ जाएगी कि मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैं ऐसे मीडियम के अंदर इसको इसको टच कर किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। अगर मीडियम का μ2 है और लेंस का μ1 है, तो μ1 की वैल्यू μ2 से ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा, जब आप लाइट लेंस में से होकर पास करेगी तो लेंस ने तो अपना मोड़ दिया, लेकिन इसका तो कम है ना, तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि जो लाइट मुड़ी है वो मुड़े ना, वो लगभग जैसा आई है वैसे जाने की कोशिश करे। तो ये खुद नहीं मोड़ेगा, खुद मुड़े हुए को कम करेगा। तो इसका मतलब क्या है? पावर ओवरऑल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पावर यहाँ पर कम हो रही है, और यहाँ पर जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले का ज्यादा था तो पावर बढ़ रही थी, और जब सेम था तो पावर पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो P1 बराबर हो जाएगी P2 के। तो ये पूरा इतनी लंबी थ्योरी में यही लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है लेंस के थ्रू। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज देखेंगे, साइज ऑफ इमेज देखेंगे और नेचर ऑफ इमेज देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अगर इमेज इस तरह से है तो इस तरह से आपको बन के दिखने वाली है, तो ये होती है इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या है? रियल इमेज मतलब इमेज जो है वो रियल में ही बन रही है, वर्चुअल इमेज नहीं है, आभासी इमेज नहीं है। तो वही केस है जो मैंने आपको मिरर के अंदर बता रखा था, वो सबका सब यही बताने वाला हूँ। अब जब इनफाइनाइट पर रखा तो फोकस पर आएगा। फोकस और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कहाँ बनने वाला है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। तो सब कुछ पहला वाला ही है जो मैंने अभी आपको बता रखा, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें रियल और इन्वर्टेड बनता है, जैसा कि हमारा कॉनकेव मिरर के अंदर बना था। बस एक ही कंडीशन है वर्चुअल वाली, वो है जब ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में रखा जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता? मिरर के अंदर क्या था? ऑप्टिकल सेंटर मिरर के अंदर ऑप्टिकल सेंटर था पोल। तो ये पूरा का पूरा वही है, आप वहां से देख लें। और वहीं अगर कॉनकेव की, मैंने अभी कॉन्वेक्स लेंस की बात करी है, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करी और कॉनकेव लेंस की तरह उसका सब कुछ चल रहा था। अरे भाई कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉनकेव मिरर की तरह चल रहा था, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में भी तो सारा का सारा सब कुछ यही चलता है ना, कि रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल इन्वर्टेड होता है,
और लास्ट में वर्चुअल और इरेक्ट होता है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर लेंस है और वहां पर कॉनकेव मिरर था, तो ये चीज आपको समझ लेनी है। और यहाँ पर कॉनकेव लेंस है तो वहां पर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो देखो उसमें भी क्या होना, तो वर्चुअल और इरेक्टेड, तो कॉनकेव लेंस में भी क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्टेड, सब का सब वही है। अब एक टर्म आती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ व्हाइट लाइट, जब कोई सफेद लाइट की रे है ना, इसको बोलते हैं कंपोजिट रे, जिसके अंदर बहुत सारी लाइट होती है, इसको बोलते हैं कंपोजिट लाइट, इस पासिस थ्रू ए प्रिज्म, जब इसको प्रिज्म से पास किया जाता है तो ये स्प्लिट हो जाती है अपने अलग अलग कलर में, इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द कलर पैटर्न ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्जन इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम, जो कलर टूटने के बाद आता है लाइट का उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे कि अगर यहाँ से कोई मेरे पास कोई ये मेरे पास कोई प्रिज्म है और यहाँ से कोई लाइट पास की जाए, तो यहाँ जो कलर पैटर्न टूट कर आएगा उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम, और इस कलर टूटने के फिनोमिना को बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया होगा। तो कलर टूटते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, वो होता है विबग्योर, है ना। विबग्योर का मैं पूरा मतलब बता चुका हूँ, वॉयलेट ब्लू इंडिगो ब्लू वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, है ना, ये आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये आप अच्छे से याद कर लें, विबग्योर आपको याद हो जाएगा तो मजा आ जाएगा आपको। द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर इन ए मीडियम, एज अ रिजल्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइट होती है ना, वो अलग अलग वेलोसिटी से आती है, अलग अलग वेलोसिटी से लाइट जो आती है, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेलोसिटी होती है, जब अलग अलग वेलोसिटी से लाइट आएगी और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सारी की सारी लाइट का, तो जब वो प्रिज्म से आकर टकराएगी या फिर किसी ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आकर टकराएगी जो कलर में डिवाइड कर दे, डिस्पर्जन कर दे, तो वो मीडियम जो है हर कलर के लिए अलग अलग बिहेव करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको ज्यादा मोड़ेगा, जिसका कम होगा उसको कम मोड़ेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अलग अलग वेलोसिटी की वजह से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर वेलोसिटी हर हर कलर की वेलोसिटी अपनी अलग अलग होती है, और देख लेते हैं इसके बारे में भी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज मैक्सिमम फॉर दैट कलर फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब वॉयलेट कलर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी मिनिमम है तो इसका जो डिस्पर्जन होने वाला है, मतलब इसके जो कलर की बेंडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर वॉयलेट ये है तो फिर इसका मतलब रेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं डिस्पर्जन एंगल, जब दोनों कलर के बीच का होता है। तो कुछ इस तरह से रेनबो के अंदर भी होता है। रेनबो क्या करता है, जो रेन ड्रॉप होती है जो इस शेप की होती है, वो कलर को तोड़ देती हैं, वो कलर को क्या कर देती हैं, डिस्पर्स कर देती हैं। तो डिस्पर्स करने के बाद देख लेते हैं इसके बारे में भी, रेनबो के बारे में क्या दे रखा। रेनबो इज द कलर डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल हैंगिंग इन द स्काई ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए ड्यूरिंग और आफ्टर ए लिटिल ड्रिजल अपेयरिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सन। रेनबो पहली बात, अगर सन इधर है तो इसके अपोजिट साइड में दिखाई देता है, और रेन ड्रॉप जो होती हैं कलर को तोड़ने का काम करती हैं, तो डिस्पर्जन की वजह से ऐसा दिखाई देता है। रेन ड्रॉप जो कर देती हैं वो डिस्पर्जन कर देती हैं लाइट का। तो जो रेनबो होते हैं वो दो तरह के रेनबो पाए जाते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। तो रेनबो जो प्राइमरी रेनबो होता है उसमें जो कलर का जो डिस्पर्जन होता है, जो कलर फॉर्म होता है, या फिर यूं कहें कि रेनबो जो फॉर्म होता है वो टू रिफ्रैक्शन की वजह से होता है और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। बस आपको टू रिफ्रैक्शन और 1TIR की वजह से होता है, ये समझ लेना है और अच्छे से याद भी कर लेना है ना। और इसके अंदर जो रेड कलर जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स साइड की तरफ, और वायलेट कलर जो होता है वो होता है कॉनकेव साइड की तरफ। तो वायलेट कलर कॉनकेव साइड की तरफ होता है, और रेड कलर जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स साइड की तरफ, बस इतना ही देखना है। और वहीं सेकेंडरी अगर रेनबो की बात की जाएगी तो इसके अंदर क्या होता है, ये फॉर्म होता है ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड टू इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वहां दो रिफ्रैक्शन तो वहां भी हो रहे थे, लेकिन वहां एक इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं और दो क्या हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो दो चल रहा है बात, है ना। अब इसमें क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द कलर ऑन द सेकेंडरी रेनबो इज द रिवर्स ऑर्डर एंड हैज एन एंगुलर विड्थ
एंगुलर विड्थ मत देखिए, जो इसका ऑर्डर होगा कलर का, जो ऑर्डर होना ना वो उल्टा हो जाएगा। कलर का ऑर्डर अगर वहां पर विबग्योर के रूप में आया है ना, विबग्योर के रूप में आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा चलेगा, ROGBIV है ना, मुझसे कोई कलर छूट गया है यहाँ पर शायद, तो येलो वाला छूट गया, VYOR है ना, ठीक है ना, तो OR तो यहाँ पर आएगा भाई। तो इस तरह से उल्टा हो जाता है क्योंकि दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। तो बस आपको थोड़ा इतना ही बेसिक समझना है। अब थ्योरी ऑफ कलर्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा कम देखेंगे। बस आपको प्राइमरी कलर्स पता होना चाहिए कौन से होते हैं। ये होते हैं RGB, RGB, रेड ग्रीन ब्लू है ना, ब्लू रेड ग्रीन, तो इन तीनों को मिलाकर जो बन जाता है वो बन जाता है व्हाइट कलर, जो कि हमारे डिस्प्ले मोबाइल सब में जो होता है वो RGB कलर ही यूज होते हैं, जिनको प्राइमरी कलर भी कहते हैं। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर कुछ अलग होते हैं, द कलर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर्स, अगर दो प्राइमरी कलर को मिला दिया जाए जो अगला कलर कलर बनने वाला उनको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। जैसे कि अगर आपने ग्रीन और रेड को मिला दिया तो येलो बन जाएगा, रेड और ब्लू को मिला दिया तो मैजेंटा बन जाएगा, ब्लू और ग्रीन को मिला दिया तो सियान बन जाएगा। तो ये कलर जो है वो ये है सेकेंडरी कलर, और इस कंडीशन में जो बन गए हैं येलो मैजेंटा और सियान, इनको मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा व्हाइट। तो येलो मैजेंटा सियान को मिला दिया जाए तो बन जाएगा व्हाइट। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनी टू कलर्स व्हेन एडेड प्रोड्यूस व्हाइट लाइट आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर किन को कहते हैं? ये वो कलर होते हैं, ये वो कलर होते हैं जिनको मिलाने पर व्हाइट कलर बनता है। जैसे कि ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्रीन ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री है मेजेंटा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर क्या दे रहा है, व्हाइट दे रहा है। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। ए सेकेंडरी कलर एंड द रिमेनिंग प्राइमरी कलर आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, रेड एंड सियान, ब्लू एंड येलो। तो रेड का क्या हो जाएगा, सियान हो जाएगा, तो रेड का सियान दिखाई दे रहा होगा, और ब्लू का येलो एंड ग्रीन का मेजेंटा आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन ये पूछेगा, देखो इससे कॉम्प्लीमेंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता, पूछेगा कि किस तरह से कलर जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। तो ग्रीन का देखो, एक होता है कॉन्जुगेट कलर और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉन्जुगेट कलर क्या होता है? सपोज दैट आपको कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, तो वो रेड कलर जो है तभी दिखाई देगा जब वो बाकी सारे कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड कलर को ही अपने अंदर से इमिट करेगा, इसलिए हमें वो रेड दिखाई देगा। लेकिन जो एब्जॉर्ब हुए कलर, उसमें सबसे ज्यादा जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो होगा ग्रीन कलर, है ना, तो वो है उसके कॉन्जुगेट कलर। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर उनको कहते हैं जिनको मिलाने से व्हाइट कलर मिल जाता। जैसे कि ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है मेजेंटा कलर, तो मेजेंटा कलर को अगर आप मिला दोगे ना ग्रीन ग्रीन के अंदर तो बन जाएगा व्हाइट, और रेड कलर को सियान के साथ मिला दोगे तब भी व्हाइट बन जाएगा, ब्लू को मिला दोगे येलो के साथ तो तब भी व्हाइट बन जाएगा। तो येलो ब्लू ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये हो गए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कलर। तो आपको अगर ये डायग्राम पता है तो आप सब कुछ कर दोगे, है ना। तो देखिए ये डायग्राम याद करने के लिए, तो मैंने आपको बता रखा RGB, तो आप एक ट्राइंगल बनाइए, यहाँ लिखिए R, यहाँ लिखिए G और यहाँ लिखिए B, ठीक है, RGB आपने लिख दिया। अब इनके मिड पॉइंट्स बना दीजिए, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट बनाने के बाद YMC लिखिए, YMC कहाँ से लिखोगे, Y लिखोगे यहाँ से Y, यहाँ से लिखोगे M, यहाँ से लिखोगे C, तो ये हो गया YMC। YMC क्या थे? YMC ये तो थे सेकेंडरी कलर, जो प्राइमरी कलर्स को मिलाने के बाद बन रहे थे, येलो मेजेंटा सियान। तो YMC कहाँ से लिखना है आपको? यहाँ से लिखना, तो R यहाँ लिखिए, G यहाँ लिखिए, RGB हो गया, Y यहाँ लिखिए, C यहाँ लिखिए, M यहाँ लिखिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखो मैंने आपको ये बनाने की ट्रिक बता दी है, तो इसके थ्रू अब आप बता सकते हैं कि ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा कलर है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पढ़ लेते हैं कुछ कलर बॉडीज के बारे में, है ना, उन बॉडीज के बारे में देख लेते हैं जिनके कुछ कलर होते हैं, तो उनके कलर हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो द कलर ऑफ ए बॉडी इज द कलर ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, है ना, जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आता है। सपोज दैट हमारी आंख अगर ये है ना, और ये है कोई रेड कलर, तो इस पर अगर कोई लाइट आकर पड़ी तो इस सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड कलर को अपने अंदर से निकालेगा। तो रेड कलर इसलिए हमें रेड कलर दिखाई देता है क्योंकि उसने बाकी कलर एब्जॉर्ब कर लिए, ये मैं अभी बता भी चुका हूँ।
अगर ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले तो ये कैसे दिखाई देगी, ये दिखाई देगी ब्लैक, है ना। ये ब्लैक कब दिखाई देगी, जब ये सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले और ये सारे के सारे कलर अपने अंदर से इमिट कर दे, तो कैसे दिखाई देगी, तो ये हमें दिखाई देगी बिल्कुल वाइट। एन ऑब्जेक्ट इज वाइट इफ इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट, है ना। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट कब दिखाई देगा, जब वो व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट कर देगा। और ब्लैक कब दिखाई देगा, जब वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। यही रीजन है जिसकी वजह से हमें रेड रोज जो है रेड दिखाई देता है जब इसको हम व्हाइट लाइट में देखते हैं या फिर रेड लाइट में देखते हैं। लेकिन अगर इसको, है ना, इसको ग्रीन लाइट में देखा जाए तो ये ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो रेड लाइट का एक कॉन्जुगेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं कुछ डिफरेंट। हाउ ए बॉडी विल अपियर इन लाइट ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टेबल। कोई भी ऑब्जेक्ट किस कलर का है, अलग अलग कलर के मीडियम में हम देखने वाले हैं या फिर अलग अलग लाइट में हम देखने वाले हैं। सपोज दैट अगर आपके पास रेड रोज है तो आप उसे रेड लाइट में देखोगे, व्हाइट लाइट में देखोगे, ग्रीन लाइट में देखोगे और भी अलग अलग लाइटों में देखोगे और देखोगे कि कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर व्हाइट पेपर है, अगर सफेद पेपर है और उसे आप देख रहे हैं इन व्हाइट लाइट में देख रहे हैं, तो सफेद पेपर सफेद ही दिखाई देगा और रेड पेपर रेड ही दिखाई देगा, है ना। जिस लाइट में आप ले जाओगे उस पेपर को वो वैसा ही दिखाई देगा। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी सारे कलर तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जो व्हाइट पेपर होता है वो व्हाइट तभी दिखाई देता है जब वो सारे के सारे कलर को अपने अंदर से निकाल देता है। तो देखिए वो सारे के सारे कलर तो निकाल रहा है, लेकिन जब आपने उसे रेड लाइट में रखा तो वो अब क्या करेगा, सारे के सारे कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड कलर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है, वो अपने अंदर से अब ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करवाएगा। और येलो कलर का क्यों, क्योंकि येलो कलर को वो निकालेगा, इसी तरह से ब्लू कलर का। तो व्हाइट पेपर किसी भी कलर में रख दीजिए उसी कलर का दिखाई देगा। अगर वही रेड की बात की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, तो व्हाइट में तो ये व्हाइट लाइट में तो ये रेड ही दिखाई देगा, लेकिन रेड जो है रेड लाइट में भी रेड दिखाई देगा, और बाकी किसी भी लाइट में ले जाइए इसे सब में ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया आपको? ये किसी भी लाइट में ले जाएंगे ये रेड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इमिट नहीं कर पाएगा बल्कि एब्जॉर्ब कर लेगा सारे के सारे लाइट को, इसलिए ब्लैक दिखाई देगा। अब देखिए ग्रीन पेपर है आपके पास, तो ये व्हाइट लाइट में ग्रीन पेपर तो ग्रीन दिखाई देगा, लेकिन ये ग्रीन पेपर सिर्फ और सिर्फ एक तो अपने ही कलर में और एक व्हाइट कलर में ही ग्रीन दिखाई देगा, बाकी सभी में क्या दिखाई देगा, बाकी सब में क्या दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक और ब्लैक। इसी तरह से बाकी कलर का भी है। येलो कलर जो है, येलो पेपर जो है, वो सिर्फ येलो व्हाइट लाइट में येलो दिखाई देगा और अपनी येलो लाइट में येलो दिखाई देगा, बाकी सब में क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। वहीं ब्लू पेपर की बात की जाए तो ब्लू जो है व्हाइट लाइट में ब्लू दिखाई देगा और ब्लू जो है खुद की लाइट में ब्लू दिखाई देगा, बाकी सब में क्या दिखाई देगा, ब्लैक। तो ये आपका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना। तो देख लेते हैं क्या फिनोमिना है ये। व्हेन द लाइट वेव्स फॉल ऑन द स्मॉल बॉडीज, जब लाइट वेव बहुत छोटी छोटी बॉडी पर आकर गिरती है, सच एज डस्ट, जैसे कि धूल पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन कोलाइडल सोल्यूशन, दे आर थ्रोन आउट इन ऑल डायरेक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब क्या है, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पर आकर लाइट टकराती है तो ये पार्टिकल इस लाइट को अपने साइड से मुड़ने देते हैं, मतलब अपने साइड से टकराकर वापस निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जब पास से निकालने की कोशिश करते हैं तो लाइट मुड़ जाती है, मतलब फैल जाती है सभी डायरेक्शन में। तो ये फिनोमिना कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो करती है वो डिपेंड करती है कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और कलर की जो है वेलोसिटी पर। वेलोसिटी वेलोसिटी तो इतनी नहीं डिपेंड करती, लेकिन वेवलेंथ बहुत करती है ना। इन चीजों पे बहुत सारे डिपेंड करती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो उस कलर की होगी जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वायलेट कलर का जो होता है सबसे ज्यादा वायलेट कलर के लाइट, वायलेट कलर की ही सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। वायलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है और सबसे कम उसकी होगी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जैसे कि रेड कलर। ठीक है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू कलर की होती है, इसीलिए हमें जो आसमान है वो नीले कलर का दिखाई देता।
ठीक है, लेकिन सूरज के निकलते और छिपते वक्त जो है स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा जो होती है ना, स्कैटरिंग जो होती है वो होती है रेड कलर की, इसलिए हमें सूरज छिपते हुए और निकलते हुए हमें थोड़ा आसमान जो है रेड कलर का दिखाई देता है। अब देख लेते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट वेव जो कि एग्जैक्टली हो सेम फ्रीक्वेंसी की, लगभग सेम फ्रीक्वेंसी की, और उनके फेज कांस्टेंट हो, है ना, लेकिन डिफरेंस डिफरेंस फेज से, सॉरी फेज जो है उनका डिफरेंस है। फेज का मतलब ये होता है कि वो किस तरह से निकल रही है, इस तरह से निकल रही है तो कोई इस तरह से निकल रही है ना, तो कोई दो लाइट है जिनकी जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग सेम होनी चाहिए, एंड ए कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर वो ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में तो वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। ये फिनोमिना, सेम फिनोमिना मैंने साउंड के अंदर भी आपको बता रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो सुपर इम्पोज होने से कुछ जगहों पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कुछ जगहों पर इंटेंसिटी कम हो जाती है। जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाती है वहाँ बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये होता है, ये मॉडिफिकेशन करती है अल्टीमेटली लाइट को। तो मैंने जब साउंड बताया था तो आपको ये पूरा का पूरा लाइट वाला इंटरफेरेंस ही बताया था, उसके थ्रू मैंने आपको समझाया था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। व्हेन लाइट वेव्स फॉल ऑन ए स्मॉल साइज ऑब्स्टेकल, देखिए जैसे कि मैंने साउंड के अंदर डिफ्रैक्शन बताया था, इसी तरह से यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन बता रहा हूँ लाइट के अंदर। तो साउंड के अंदर कैसे था कि अगर आपके पास कोई एक एक बहुत बड़ी शीट है ना, शीट है और इसके अंदर बहुत छोटा छेद है, और यहाँ से आप लाइट पास कराओगे तो लाइट क्या होगी, इन छिद्र के पास से थोड़ी सी मुड़ जाती है, इन जो ये होल हो रखा है इस होल के किनारों पर से थोड़ी सी मुड़ जाती है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साउंड के अंदर भी ऐसा होता है ना। व्हेन द लाइट वेव्स फॉल ऑन ए स्मॉल साइज ऑब्स्टिकल और स्मॉल अपरेटस हुज डायमेंशन इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जिसकी डायमेंशन लगभग वेवलेंथ के डायमेंशन के लगभग सेम है, देन देर इज अ डिपार्चर फ्रॉम द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन एंड लाइट एनर्जी फ्लेवर्स आउट इन टू द रीजन ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेडो, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट एनर्जी बियॉन्ड द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाई रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर मतलब क्या, जब ये ऑब्स्टेकल है तो इस तरह से रेक्टिलिनियर बनाती हुई निकलेगी, है ना, ये तो ये रेक्टिलिनियर इसका क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं किसे हैं। तो पोलराइजेशन समझने के लिए पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फैक्टर, एक मैग्नेटिक चलता है, मैग्नेटिक चलता है और एक चलता है इलेक्ट्रिक, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होते हैं। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये बिछा हुआ है, तो ये बिछा हुआ है तो नीचे वाला परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ना उसकी वजह से हमें जो है विजिबल इफेक्ट शो होता है। तो पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, देखिए सपोज दैट आपके पास ये बहुत छोटा सा नैरो रास्ता है ना, अब उसके अंदर से इतनी बड़ी वेवलेंथ की जो है लाइट जा रही है तो ये रुक जाएगी, और अगर आपके पास अगर इस तरह से भेजी जाए तो लाइट ये पास हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब नैरो ओपनिंग में से कोई लाइट पास कराई जाती है तो उसमें से कोई एक वेक्टर जो है रुक जाता है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो रोशनी देखने के लिए यूज होता है, तो हमें उसे पास कराना होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम रोक देते हैं। तो इस तरह से लाइट को हम जो है एक सिरे से रोक देते हैं। देखिए ये वैसा ही है जैसे कि एक रस्सी को आप घुमाओ, रस्सी को आप जो है ना आपने घुमाना शुरू कर दिया, तो रस्सी को जब आप घुमाना शुरू करोगे तो रस्सी इस तरह से घूमेगी। अब यहाँ पर आपने जो है ओपनिंग लगा रखी है और यहाँ से आपने रस्सी बांध रखी थी, अब यहाँ पर ओपनिंग लगा रखी तो क्या ये रस्सी घूम पाएगी यहाँ पर, यहाँ पर नहीं घूम पाएगी, तो यहाँ आपको एक तरह की लीनियर दिखाई देगी जबकि यहाँ घूमती हुई दिखाई देगी। तो इसी तरह से क्या होता है, लाइट को जब पास कराया जाता है तो इस तरह से ये जो है रोक देता है ना, ये जो स्ट्रिप होती है ना ये रोक देती है। अगर इन स्ट्रिप में रस्सी को अब आप इस तरह से लो और इस तरह से घुमाओ तो इस स्ट्रिप के अंदर को आर पार निकल जाएंगी। तो ये बिल्कुल आपको यही करना है, आपको एक वेक्टर निकाल देना होता है तो दूसरा वेक्टर आपको रोक देना होता है, तो यही फिनोमिना कहलाता है पोलराइजेशन। ठीक है, अब एक ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेते हैं ना। तो ह्यूमन आई की जो लीज डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है,
है ना, ऐसा कहा जाता है कि स्वच्छ अगर कोई आदमी है, बिल्कुल हेल्दी आदमी है, तो उसकी जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है, जबकि उसकी जो फार्देस्ट डिस्टेंस होती है देखने की वो होती है इन्फिनिटी, है ना, ये आपको याद करना है। तो ह्यूमन आई के अंदर कुछ डिफेक्ट भी होते हैं, है ना, डिफेक्ट एंड द रेमेडीज भी होते हैं कुछ। वो डिफेक्ट क्या है, जैसे कि मायोपिया, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मतलब मायोपिया में क्या होता है, आपको पास की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। तो इस तरह के जो आई के अंदर इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मायोपिया। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना, तो पास की तो चीजें दिखाई दे रही हैं। मायोपिया मतलब क्या, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पास की तो चीजें दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही। तो नियर के ऑब्जेक्ट उसे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट है, जो दूर है ऑब्जेक्ट, वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे जो इफेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है आई के अंदर, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। जैसे कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो ये किसकी वजह से होता है, ये कॉज जो है, जैसे कि इलोंगेशन हो गया, बढ़ गया जो आई बॉल है ना, वो अपनी एक्सिस के अलोंग बढ़ गई है, जो आई बॉल है वो एक्सिस के अलोंग बढ़ गई है, थोड़ी सी फैल गई है। या फिर शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई, या फिर आई की जो है फोकल लेंथ जो है वो कम हो गई है। फोकल लेंथ मतलब ये होती है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है या आई है, तो फोकल लेंथ या तो उसकी कम हो जाए, फोकल लेंथ ये भी होती है ना, तो ये कम हो गई फोकल लेंथ, यहाँ पर इमेज बन रहा था लेकिन फोकल लेंथ अब कम हो गई, तो हमें तब भी मायोपिया हो जाता है। या फिर ओवर स्क्रैचिंग ऑफ सिलियरली मसल्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, या जब हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्क्रैच हो जाएं, स्ट्रैच हो जाएं, मतलब खिंच जाएं, तब भी हमें मायोपिया हो जाता है। तो इसकी रेमेडी क्या है, हमें डाइवर्जिंग लेंस को यूज करना पड़ेगा। डाइवर्जिंग मतलब जो फैलाता हो। तो डाइवर्जिंग लेंस तो हमारे पास क्या था, कॉनकेव लेंस था। कॉनकेव लेंस ये था, इसकी एक्सिस ये थी, अगर लाइट इस तरह से आ रही है तो ये क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था। अब आता है हाइपरमेटोपिया और हाइपरोपिया, हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेटोपिया, फिर लॉन्ग साइडनेस। तो लॉन्ग साइडनेस का मतलब क्या है, इसमें आपको दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेटोपिया कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द नियर ऑब्जेक्ट। तो कॉज क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल अलोंग द एक्सिस। तो ये शॉर्टनिंग हो रही है, मतलब इसमें हो रही थी शॉर्टनिंग और इसमें हो रहा था इलोंगेशन, मतलब अगर इलोंगेशन हो रहा है तो आपको हो जाएगा मायोपिया, फैल रहा है तो आपको हो जाएगा मायोपिया, और अगर सुकड़ रहा है, हमारी जो आई बॉल होती है अगर वो सुकड़ रही है तो हमें हो जाएगा हाइपरमेटोपिया, हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। फैल रहा है तो पास की सॉरी फैल रहा है तो हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, और जब सुकल रहा है तो हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो इसका रीजन एक ये भी होता है कि इंक्रीज कर जाती है हमारी फोकल लेंथ। सपोज दैट फोकस यहाँ बन रहा था तो फोकल लेंथ अब यहाँ हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये कब हुआ, जब ये सुकड़ गया। सुकड़ने से क्या हो गया, इसकी जो हो गई आई बॉल सुकड़ने की वजह से इस इंक्रीज हो गई है फोकल लेंथ। अब इसका एक और भी है, स्टेफनिंग ऑफ सिलियरली सिलियरी मसल। सिलियरी मसल जो होती हैं उनका अगर स्टेफनिंग हो गई है, मतलब अब लूज हो गई है, तब भी ऐसा हो जाता है। इसकी रेमेडी क्या, आपको कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर एक्सिस ये है और कोई लाइट पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के, मतलब इसकी एक्सिस के, तो ये कन्वर्ज हो जाती है, मीट हो जाती है। तो ये कब हमें चाहिएगा, जब हमें दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो इसको बोलेंगे हाइपरमेटोपिया। जब पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो इसको बोलते हैं हम मायोपिया। मायोपिया मतलब हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो दूर की चीज़ें कब दिखाई देंगी, जब हमारी आई बॉल, दूर की चीज़ें कब नहीं दिखाई देंगी, जब हमारी आई बॉल फैल जाएगी। तो ये हमको पता चल गया। अब इसमें कुछ और चलता है, जैसे कि प्रेस बायोपिया होता है, या फिर एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन द एल्डरली। जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है, उन पर्सनों में ये पाया जाता है। ड्यू टू द स्टेफनिंग ऑफ सिलियरली मसल्स आई लूजेस मच ऑफ इट्स एकोमोडेटिंग पावर। जो आई की पावर होती है वो कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है ना नियर ऑब्जेक्ट जो है, पास के जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई देते। एज अ रिजल्ट डिस्टेंस एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। पास के और दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। तो इस तरह के आदमी को बाई फोकल लेंस दिया जाता है, जिसकी दो अलग अलग फोकस होती है। आपने देखा होगा कुछ के लेंस ऐसे होते हैं कि उनकी यहाँ जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो ऊपर होता है वो होता है कॉनकेव। तो वो बाई फोकल ही है, उनको ना तो पास का दिखाई दे रहा ना दूर का दिखाई देगा। जो कुछ हमारी सिलियरली सिलियरी मसल है ना, सिलियरी मसल जो है वो उसको गड़बड़ा रही है, हमारी
हमारे अंदर जो है ना वो डिफेक्ट ला रही है। एस्टिगमेटिज्म क्या होता है? दिस डिफेक्ट राइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया इन द डिफरेंट प्लेन। अलग अलग प्लेन में अगर कॉर्निया का कर्वेचर बदल जाता है तो एस्टिगमेटिज्म हो जाता है, जिसका रीजन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन वन प्लेन आर ब्रॉट टू द फोकस बाई आई इन अनदर प्लेन फॉर इट्स रेमेडी सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज। मतलब क्या होता है, अगर एक प्लेन में हमारा फोकस बनना चाहिए था तो वो नहीं बन पाता, दूसरे प्लेन में बन जाता। एज अ रिजल्ट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जो रे आ रही है इन वन प्लेन रहती है तो वो दूसरे प्लेन में हमको दिखाई देती है ना, और वो फोकस नहीं कर पाते हम, तो इसको बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म। अब देखिए, देर आर टू काइंड ऑफ द विजन सेल इन द रेटिना। हमारी रेटिना के अंदर दो तरह के विजन सेल होते हैं, एक होते हैं कॉनिकल शेप के होते हैं है ना, तो एक होते हैं पेस्क्यूलियर शेप के, है पिक्यूलियर शेप के सॉरी, तो पिक्यूलियर शेप होता है, और एक होता है कॉनिकल शेप या फिर रोड्स। तो ये जो होता है इनकी इनके अगर इनकी इनकी अमाउंट्स भी घट जाती है तब भी हमारी आंखों में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह का डिफेक्ट आ ही जाता है। अब पढ़ते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी काफ़ी है इनके लिए, क्योंकि आपको इतना ही पूछेगा, सिर्फ इतना पूछ लेगा कि बताइए कौन सा डिफेक्ट है। अब पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो करते हैं, दिस इज सिंपली अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्ट टू बी एनलार्ज इज प्लेस विद इन द फोकस ऑफ लेंस। अगर फोकस पर रखा जाता है, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, अगर फोकस पर रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो मैग्नीफाइंग पावर होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, वो डिफाइन की जाती है एम इज इक्वल टू 1 + d / f। जो डी कहलाता है वो है 25 सेंटीमीटर, और एफ जो कहलाती है फोकल लेंथ कहलाती है, जो हमारे पास लेंस है उसकी। अब आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं, एक होता है बड़ा कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है छोटा कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो जो अब देखिए, जो एक आंख के पास होता है उसको अलग बोलते हैं, जो आंख के पास होता है उसको बोलते हैं आई लेंस, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये कोएक्सियल फिटेड होते हैं, मतलब एक ही एक्सिस पर इनको फिट किया जाता है किसी होलो ट्यूब के अंदर। तो द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड द लेंस टूवर्ड्स द आई इज कॉल्ड द आई पीस। आई पीस किसको कहा, जो आई के पास है, और दूसरा जो था ऑब्जेक्ट के पास था उसको क्या क्या कहा गया, ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और। अब जैसे कि हमको पता है हमारे पास जो कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर दो लेंस यूज हो रहे हैं, तो एक लेंस है हमारे पास आई पीस, दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू आई पीस। आपने देखा होगा कुछ इस तरह के जो लेंस रखे रहते हैं है ना, टेबल पर रखे रहते हैं फिल्मों में, देखा होगा वो यहाँ पर कुछ ब्लड का सैंपल लेते हुए यहाँ से देखते हैं, तो वो क्या होता है, जो आई पर लेंस होता है वो बड़ा होता है, और जो यहाँ पर लेंस होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि छोटा होता है, यहाँ पर जो आई के पास है उसको बोलते हैं आई पीस, जो कि बड़ा होता है। अब देखिए, छोटा लेंस लेने से और छोटी फोकल लेंथ के लेंस लेने से क्या होता है, जो पावर होती है इंस्ट्रूमेंट की वो बढ़ जाती है। तो ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब पढ़ लें टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप के बारे में क्या होता है, टेलीस्कोप के बारे में हम लेंस एक छोटा लेते हैं और एक बड़ा लेते हैं, और दोनों ही एक ही एक्सिस पर लगाते हैं, एक होता है आई पीस और एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस तरह के लेंस को हम लेते हैं ताकि हमें जो बाहर विदेश की, मतलब दूसरी अलग हमारे जो स्पेस के अंदर दुनिया है, हम उसको देख सकें, उसको आसानी से देख सकें। तो टेलीस्कोप आर यूज टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, है ना। तो टेलीस्कोप कैन बी डिवाइडेड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड गैलेलियन टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम टेलीस्कोप के बारे में सिर्फ जनरल पढ़ेंगे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है उसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए होते हैं, जो कि एक ही एक्सिस पर लगाए जाते हैं। तो यह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में, और ये जो लेंस लगाए जाते हैं किसी होलो ट्यूब के अंदर लगाए जाते हैं, जो लेंस फेस करता है ऑब्जेक्ट की तरफ को उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो होता है आंख की तरफ को उसको बोलते हैं आई पीस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका जो होता है लार्ज अपर्चर होता है, सो दैट द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी इजिली कोलेक्टेड। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज अपर्चर, इसका मतलब ये हो गया जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ है ना उसका अपर्चर ज्यादा होता है,
तो एपर्चर ज्यादा ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ होगा, वो जो आंख के पास होता है वो छोटा सा होता है, जबकि टेलीस्कोप में कुछ उल्टा हो रहा था। टेलीस्कोप में बड़े वाले की तरफ को क्या लगा रहे थे हम, आंख लगा रहे थे, वो छोटे लेंस की तरफ को जो हम रख रहे थे वो ऑब्जेक्ट रख रहे थे। अब जाहिर सी बात है हमने दो छोटे छोटे लेंस ले रखे तो ये हमारी आंख के बराबर है, ये और भी छोटा है, तो इसे हमने ऑब्जेक्ट के पास रखा, इसे अपनी आंख के पास रखा, तो टेलीस्कोप में इसका उल्टा हो रहा है, तो छोटा लेंस है उसकी तरफ से हम देखेंगे, वो जो बड़ा लेंस है उसकी तरफ को हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। बड़ा लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ को रखने से ये फायदा होगा, जो ऑब्जेक्ट से रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है, उसको ज्यादा गैदर कर सके। तो ये था इसके अंदर, टेलीस्कोप के अंदर जो इसका एक पॉइंट और रह गया। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर देन द आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है। देखिए इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी तभी तो ये फोकस कर पाएगा बहुत दूर के ऑब्जेक्टों पर, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसके मुकाबले कम होती है। तो ये था टेलीस्कोप के बारे में, हमने टेलीस्कोप के बारे में पढ़ लिया और इस लेक्चर का सब कुछ पढ़ लिया, जितना भी लाइट था सारा का सारा ल्यूसेंट का लाइट एक ही चैप्टर में खत्म हो गया है। दोस्तों बड़ी मेहनत की गई है इस वीडियो को बनाने में, और कंटिन्यू वीडियो बनाई है, मेरे सर में दर्द होने लगा बनाते बनाते और बोलते बोलते, क्योंकि कंटिन्यू लगभग 2 घंटे तक बोलना बहुत ज्यादा टफ होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड को, सबको शेयर करें, और सबसे कहें कि सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को जिसका नाम है प्रिपरेशन अड्डा। तो हमारे चैनल को अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमको मोटिवेट मिले, ताकि हम और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि तुमको अच्छी सी वीडियो बनाकर दे सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्सअप जरूर बनता है। थैंक यू सो मच।